दोस्तों नॉर्थ ईस्ट भारत का वो हिस्सा है जिसके बारे में आपको बहुत ही कम सुनने को मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य काफी शांत रहते हैं और इसलिए बहुत ही कम सुर्खियों में आते हैं। लेकिन हर मामले में यहाँ ऐसा नहीं होता। कुछ बातें हैं जो यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों के लोगों से अलग बनाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको नॉर्थ ईस्ट घूमने जाने से नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जुड़े ऐसे ही जानकारी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली गलती है उनके स्किन टोन और फेशियल फीचर को लेकर उनसे सवाल करना। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जो लोग होते हैं उनके स्किन टोन और फेशियल फीचर भारत के दूसरे राज्यों के लोगों से क्यों अलग होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर देख सकते हैं। दोस्तों बता दूं कि यहाँ के लोग दूसरे प्रांत से आए लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें कभी अपने से अलग नहीं समझते। ऐसे में आपको ये याद रखना चाहिए कि आप गलती से उनसे ऐसे सवाल न पूछ लें जिससे वो आहत हो या आपको उनका गुस्सा झेलना पड़े, जैसे कि आप भारतीय जैसे नहीं दिखते, आप अलग क्यों दिखते हैं, क्या आप चाइनीज हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे अपमान के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी गलती, किसी के धर्म को लेकर सवाल करना। दोस्तों बौद्ध, ईसाई, हिंदू धर्म के अलावा उत्तर पूर्व भारत में अपने खुद की भी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। मिजोरम और नागालैंड में मुख्य ईसाई है। असम हिंदू धर्म के शक्ति स्कूल की अनूठी प्रथा का घर है जहां स्त्रीय देवी शक्ति पूजनीय है, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में बौद्ध धर्म की संख्या उच्चतम है। इन सब के बावजूद यहां विविधता में भी एकता है, इसलिए अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट घूमने जाएं तो इस तरह के सवालों से बचें, जैसे आप ईसाई क्यों हैं या आप ईसाई क्यों नहीं हैं। किसी के धर्म को लेकर कोई सवाल ना करें। हाँ, अगर आपको किसी के धर्म के बारे में जानने की इच्छा है तो अलग बात है। तीसरी गलती, गलत भाषाओं का उपयोग ना करें। उत्तर पूर्वी भारत में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। सभी नहीं, पर उनमें से अधिकांश लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं, और कुछ लोग जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते उनके साथ आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में या फिर इशारों में बात करना होगा। और भारत के दूसरे प्रांतों में जो भी भाषाएं बोली जाती है उनमें से कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में गाली की तरह इस्तेमाल होता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह से घूमना या एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने से पहले कुछ शब्दों का ज्ञान तो होना ही चाहिए जो कि आपको उन लोगों से कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। ऐसे शब्द सीखें जो आपको एक विजिटर के रूप में मदद करेगा, जैसे कि नमस्ते करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, मदद लेने के लिए, दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए, भोजन और पानी आदि प्राप्त करने के लिए, और हो सके तो सड़क किनारे के बोर्ड से भी शब्द उठाएं। भाषा आपकी एकमात्र पहुंच है जो आपको कहीं भी किसी भी हाल में आपको मदद करेगा। चौथी गलती, भोजन के वक्त इन बातों का ध्यान रखें। जिस तरह उत्तर भारत पनीर से आगे निकल जाता है, यह मत समझिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ नूडल्स और मोमोज के बारे में है। माजुली द्वीप पर चकाचौंध वाली मिसिंग थाली से लेकर नागालैंड के स्मोक मीट तक सब देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मुझे पता है कि नागालैंड को लेकर आप सभी के मन में कई सारी बातें घूमती है। ऐसे में यदि आप नॉर्थ ईस्ट जाकर किसी के साथ भोजन करने बैठे तो ऐसे में उनसे ये सवाल मत पूछिएगा, जैसे कि क्या आप कुत्ते का मांस खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्यों खाते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग ये सब खाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं खाते। पांचवी गलती, मणिपुर और नागालैंड में शराब का सेवन। दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश समुदायों के लिए शराब पीना एक अमूर्त धरोहर है, इसलिए यदि आप कभी नॉर्थ ईस्ट घूमने आते हैं तो यहाँ के प्रत्येक राज्यों में स्थानीय शराब बनाने की प्रक्रिया को देखने का आनंद भी जरूर उठाएं। लेकिन खबरदार, इन सभी राज्यों में से मणिपुर और नागालैंड में शराब पूरी तरह से बैन है। यदि आप टूरिस्ट हो तो इन दोनों राज्यों में घुसने से पहले राज्य की सीमा पर पुलिस कर्मियों द्वारा आपके बैग्स की चेकिंग भी हो सकती है। तो अगर आप अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहते तो आप मणिपुर और नागालैंड जाते वक्त अपने साथ शराब लेकर ना जाएं। छठवीं गलती, यहाँ आने के बाद यहाँ की रीति रिवाज को जज ना करें। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में सांस्कृतिक परिदृश्य यानी कि कल्चरल लैंडस्केप बहुत यूनिक है। उदाहरण के लिए, मेघालय में एक लड़की अपनी शादी के बाद अपने माता पिता के घर पर अपने पति के साथ रह सकती है। यहाँ लड़कियों को अधिक मान्यता दी जाती है और लड़कियों को ही परिवार की संपत्ति विरासत में मिलती है, जबकि यह मेघालय में आदर्श हो सकता है पर यह उत्तर पूर्व भारत में हर किसी के लिए नहीं है। कुछ जगहों में कपल्स लिविंग इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं और एक औपचारिक शादी यानी कि फॉर्मल वेडिंग कुछ वर्षों बाद ही हो सकती है। और अगर प्यार और विवाह पर कोई अपने वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य को परेशान करते हैं तो चुप रहें। उनके जीवन शैली विकल्पों का न्याय करने के लिए अपने खुद के नैतिक ज्ञान का उपयोग ना करें। सातवीं गलती,
हाथों में बंदूक देखकर ना घबराएं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में लोग शिकार के लिए बंदूक और कई तरह के हथियार लेके निकलते हैं, तो आप ऐसे लोगों को कई इलाकों में देख भी सकते हैं। अधिकतर बंदूकें लाइसेंसी होते हैं और ये किसी को डराने या धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये सब देखकर आपको चौंकने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आठवीं गलती, संवेदनशील विषयों पर बात न करें। उत्तर पूर्वी भारत जितना आप सोचते हो उससे कई गुना अधिक सुरक्षित है। क्षेत्र के अधिकांश जगह पर्यटकों के लिए शांतिपूर्ण और स्वागत के योग्य है। हालांकि विरासत को देखते हुए लोग उग्रवाद जैसे विषयों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, तो अगर आप लोगों के बीच बैठकर बात कर रहे हो तो इन सब विषयों पर बात ना ही करें तो अच्छा है। एक और बात का ध्यान रखें, पहाड़ियों में कुछ लोग तेज आवाज और आक्रामक स्वर में चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिससे कि उन्हें काफी आनंद आता है, जो कि सही भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वहाँ कोई आसपास गांव हो तो ऐसा मत कीजिएगा, जिससे कि वहाँ के लोगों को इरिटेशन हो। नौवीं गलती, शिष्टाचार ना भूलें। यदि आप नॉर्थ ईस्ट घूमने जाते हैं और कोई आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो उसके घर कुछ न कुछ उपहार जरूर लेकर जाएं। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे उनकी नज़र में आपके प्रति एक अपनापन और शिष्टाचार झलकता है। और अगर उनके घर पर कोई बच्चा है तो आप उनके लिए गुडीज भी लेकर जा सकते हैं। दसवीं गलती, चेहरे पर मुस्कान। नॉर्थ ईस्ट के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपरिचित लोगों से मिलने पर एक मुस्कान और एक वार्म ग्रीटिंग जरूर देते हैं। यदि आप भी कभी ऐसे लोगों से मिले, चेहरे पर एक मुस्कान लाकर उनको भी एक वार्म ग्रीटिंग दें, जिससे कि उनको लगे कि आपको भी उनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। तो दोस्तों, यही थे कुछ 10 बातें जो आपको नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने में कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अगर कभी आपके दोस्तों के मन में कभी नॉर्थ ईस्ट घूमने का विचार आए तो उनके मन में इन सब बातों को लेकर कोई सवाल न रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।